फ्रेंड्स सर, गुड मॉर्निंग। जेआईबी क्विज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं जो कि हमारे पुराने रिकलेक्टेड क्वेश्चंस जेआईबी में आ चुके हैं। फ्रेंड्स, कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम लोग ऑनलाइन भी आ सकें और अपने क्वेश्चंस डिस्कस करें। बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कोई क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगता है कुछ है तो आप मेरे को कॉमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन अगर देखेंगे रिकलेक्टेड क्वेश्चंस में, तो बैंक्स प्रिंट चेक बुक्स हैविंग सिमिलर पर्टिकुलर्स, द फॉर्मेट ऑफ चेक बुक इज प्रिस्क्राइब बाय विच एक्ट। कहता है कि जो हम बैंक्स की चेक बुक प्रिंट करते हैं ना, तो उसको किस एक्ट के अंदर डिफाइन किया गया है कि इसको इस तरह छापना है। तो ये कोई ऐसा एक्ट में किसी में लिखा गया है, सिर्फ ये प्रैक्टिस और कस्टम्स एंड यूसेज में, जो हम डेबिट स्लिप या फिर जो विड्रॉल्स और जमा वाली पर्ची होती है वो सब भी इसी के थ्रू होती है, जैसी प्रैक्टिस है दैट्स ऑल। वैसा कोई एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन इंटरनेट बैंकिंग विदाउट हैविंग अनदर बैंक व्हाट कैन वी डू। चार ऑप्शन हैं आपके पास। कस्टमर फंड्स कैन बी ट्रांसफर्ड, इशू ऑफ चेक बुक FD कैन बी इशूड एंड इंटीमेशन रिगार्डिंग LC। तो फ्रेंड्स, दूसरे वाले बैंक का तो हम अकाउंट नंबर अगर हमारे को मिल जाए लेकिन हम उसकी कुछ डिटेल्स देख नहीं सकते, तो हम सिर्फ ये हो सकता है कि कस्टमर्स फंड्स कैन बी ट्रांसफर्ड। कैसे करेंगे? अगर सेम बैंक है तो ऐसे ही ट्रांसफर हो जाएगा, और अदर बैंक है तो नेफ्ट के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन कई बार आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए। डिसकंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस एरिया अप्रोच हैज बिन रिकमेंडेशन ऑफ डैश। देखो, सर्विस एरिया अप्रोच का क्या मतलब होता है कि जहाँ पे आपका कृषि वाला लैंड है वहीं पे ही आपका KCC होगा, उसी बैंक के जिस बैंक के आसपास है। लेकिन अब जब सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है तो ये रिकमेंडेशन की गई थी कि ये चीज़ हटा देनी चाहिए। तो अब कौन सी कम्युनिटी ने ये बात बोली थी? ब्यास कम्युनिटी ने। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए। रिवाइवल ऑफ लिमिटेशन फॉर रिकवरी ऑफ अ टाइम बेयर्ड लोन इज पॉसिबल। देखो, रिवाइवल जो लिया जाता है उसका कुछ टाइम पीरियड होता है, 3 साल 5 साल जो भी है। तो लेकिन अगर वो टाइम बेयर्ड हो चुका है तो आप क्या करेंगे? फ्रेश प्रॉमिस टू पे प्रोविजंस एंड एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मतलब आपने फ्रेश रिवाइवल अगर ले लेते हैं तो फिर से वही टर्म्स एंड कंडीशन, बोरोवर और लेंडर के बीच में बन जाएगी। तो इसलिए अगर फ्रेश आपने डॉक्यूमेंट्स ऑब्टेन कर लिए हैं तो इट्स ओके देन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लफार। इसकी फुल फॉर्म भी कई बार क्वेश्चन में पूछी है तो अभी देखते हैं। रिटर्न्स रिलेट टू लफार क्या चीज़ है? लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट, ये तो इसका फुल फॉर्म हो गया। ये क्या होता है? स्टैचुरी ऑडिट जो होता है वो साइन करता है इसको, CA जो होते हैं ना, मैं इसलिए स्टैचुरी ऑडिट में CAs आते हैं तो वो इसको साइन करते हैं। और वो CA कौन भेजता है? RBI भेजता है। इन अ कंपनी द रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस इज रिक्वायर्ड फॉर, देखो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको। लोन अगेंस्ट FD, आपने कभी चार्ज रजिस्टर कराया? नहीं। FD लेके जाते हैं और उसके अगेंस्ट लोन ले लेते हैं। लीन ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो वो भी जरूरत नहीं है। बुक डेब्ट और लोन अगेंस्ट शेयर्स, लोन अगेंस्ट शेयर्स ऐसे ही है जैसे कि लोन अगेंस्ट FD है, तो सेम बुक डेब्ट ऐसी चीज होगी जिसका कि रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इमीडिएट क्रेडिट अप टू 15,000 कैन बी प्रोवाइडेड टू कंपनी, पार्टनरशिप फॉर्म, क्लब या फिर प्रोपरेटरशिप। देखो, कंपनी एक बहुत बड़ी वो है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है तो इसलिए इजीली नहीं दे सकते। पार्टनरशिप फॉर्म में प्रॉब्लम ये है कि पार्टनर्स कब भाग जाएं, सारा बहुत ज़्यादा डर होता है। प्रॉपर्टीशिप ऐसी चीज़ है कि सिंगल ओनर की होती है तो आप इजीली दे सकते हैं लोन, तो ये एज पर लॉ आप दे सकते हैं, बट डिपेंड करता है बैंक टू बैंक। तो इसलिए प्लीज़ आप ना बैंक का सर्कुलर भी चेक कर लें कि क्या आप दे सकते हैं इमीडिएट क्रेडिट। लिवरेज इन केस ऑफ अ फर्म इंडिकेट सॉल्वेंसी ऑफ फर्म। देखिए, जो हम रेशियोज़ पढ़ेंगे तो उस टाइम पे हमारे को ये सारे क्वेश्चंस आएंगे कि लिवरेज रेशियो क्या होता है, करंट रेशियो, क्विक रेशियो। तो वहाँ पे लिवरेज का मतलब होता है कि सॉल्वेंसी कितनी है फॉर्म की। ठीक है, तो वो चीज़ें देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाइल क्रॉसिंग विच क्रॉसिंग टेक्स अवे द फीचर ऑफ अजम्पशन ऑफ डिफेक्ट फ्री टाइटल अवेलेबल टू द ट्रांसफरी, दैट इज़ नॉट नेगोशिएबल। नॉट नेगोशिएबल कर दिया आपने तो फिर कोई ऐसा टाइटल में डिफेक्ट नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे। इंटरेस्ट सबवेंशन ऑन SME एक्सपोर्टर्स इज अवेलेबल टू द एक्सटेंट ऑफ 2% सब्जेक्ट टू फ्लो रेट ऑफ 7%। जो इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाता है जैसे कि KCC लोन में कितना इंटरेस्ट सबवेंशन होता है?
2% और 3%, तो ऐसे ही जो है एसएमई एक्सपोर्टर्स को भी सबवेंशन दिया जाता है, कितना 2% सब्जेक्ट टू द फ्लोर रेट ऑफ 7%। वट इज़ द मैक्सिमम लोन दैट कैन बी अलाउड टू डू अ डीलर इन कैटल फील्ड या पोल्ट्री फॉर्म विद इन प्रायोरिटी सेक्टर? तो ये 40 लाख रुपए का लोन दे सकते हैं आप, ये प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर लोन आएगा आपका। जो एनिमल हस्बेंड्री वगैरह करते हैं, बकरी भेड़ बकरी वगैरह पालते हैं, तो उनको ये प्राइवेट सेक्टर का लोन 40 लाख रुपए तक हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एन आर आई कैन ओपन अ ज्वाइंट अकाउंट विद द रेसिडेंट इन केस ऑफ डैश अकाउंट। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। इसमें सिंपल सी चीज़ ये है कि अगर कोई एन आर आई है और उसके पेरेंट्स यहाँ पे हैं, या कोई उसकी वाइफ है जो कि यहीं पे है, तो रेसिडेंट इंडियन है, तो वो उसने अगर अकाउंट खुलवाना है तो वो क्या करेगी, अपने हस्बैंड के साथ ज्वाइन कर सकती है। और अकाउंट कैसा खुलेगा, एन आर ओ अकाउंट खुलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन देखेंगे।